और मुंगेली में एक थार वाहन को जलाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 27 नवंबर को SNG कॉलेज के सामने आयुष ठाकुर के मकान के पास रोड किनारे खड़ी थी कि थार गाड़ी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बदले की भावना में गाड़ी में आग लगाई थी। बता दें कि आरोपियों पर पहले से थाने में आगजनी, मारपीट और बलवा जैसे मामले दर्ज है। ये 26-27 नवंबर की दरमियानी रात को प्रार्थी आयुष ठाकुर की थार वाहन को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चेहरे पे गमछा बांध करके आग के हवाले कर दिया था, तो उस पर से थाने में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही थी। विवेचना दौरान जो है पुराने जो घटना को देखते हुए पुरानी रंजिश को लेकर उस प्रार्थी का पता चला। उनके अलावा ने तकनीकी साक्ष्य और जो भी साइबर संबंधी साक्ष्य उनको जुटा करके दो आरोपी की आइडेंटिफाई हुई, जिनमें एक आरोपी सिद्धू ठाकुर और एक जो है योगेश आर्मो, ये दोनों का प्रार्थी से पूर्व में एक प्रकरण को लेकर वाद विवाद था, जिस वजह से इन्होंने आपसी षड्यंत्र करके एक योजना बना करके प्रार्थी के कार को आग के हवाले किया था। ये धमतरी के केरेगांव थाना पुलिस ने, वहीं रायगढ़ में युवक को बांधकर पीटने वाले आरोपी बंटी साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी बंटी साहू अपना भय बनाने के लिए लोगों को निर्वस्त्र कर मारपीट करता था और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता था। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया और मंगलवार को इसके 9 साथियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला गया, लेकिन आरोपी बंटी साहू 3 दिन से फरार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर खाद और बिलासपुर में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भूजमार क्षेत्र में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी चल रही है, जिसमें कि 7 पर्दीधारी नक्सली ढेर हो चुके हैं। सर्चिंग में सभी के शव भी बरामद कर लिए हैं और अभी भी रुक रुक कर शायद वहां फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान भी जारी है। आपको बता दें कि 40 से 50 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कुंदा गांव की DRG टीम ने STF और CRPF की संयुक्त पार्टी लक्ष्य अबूझमाड़ क्षेत्र में रवाना हुई थी। सुरक्षा बल के जवानों नक्सलियों के बीच तड़के सुबह 3 बजे से मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में बड़े नक्सली कैडरों के मारे जाने की संभावना भी जताई जा रही है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर की ट्राई जंक्शन इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CP मौजूद संगठन की उपस्थिति का सूचना के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा अभियान के लिए रवाना किए गए थे। DRG, STF एवं CRPF सहित टीम रहा। अभियान के दौरान आज दिनांक 12 तारीख को सुबह से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग में अब तक कुल 7 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एमुनिशन भी रिकवर किए गए थे। अभी भी अभियान जारी है, सर्च अभियान आसपास इलाके में अभी कंटिन्यू हो रहा है। री एनफोर्समेंट टीम भी इसके लिए रवाना की गई थी। जिस अभियान पूर्ण होने के बाद हमको अधिक जानकारी मिल जाएगा। जिला नारायणपुर रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं, उनके बहादुरी को नमन करते हैं। नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान। News@9 की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए TV24। नमस्कार। सक्री जिले के अचरत पाली गांव में चारा लेने गए रिटायर्ड SCCL कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल 11 किलोवाट तार टूटकर जमीन की वजह से रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी जान गंवा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। News@8 की बुलेटिन फिलहाल इतना ही, आप देखते क्षेत्रों में रहने वाले युवक युवतियों को खेल के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक खेल के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 15 दिसंबर को बस्तर दौरा प्रस्तावित है। वे ओलंपिक खेल समापन कार्यक्रम में खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी देखेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बस्तर को हाई अलर्ट में रखा गया है। ग्राउंड के आसपास और शहर में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ 3,000 से अधिक जवानों को भी तैनात किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र के युवा युवतियों को खेल के माध्यम से
जोर उनका नया रास्ता दिखाने के लिए उनका समाज निर्माण से लेकर क्षेत्र के विकास कार्य और सुरक्षा कार्य उनको जोड़ने के हिसाब से बस्तर ओलंपिक्स का आयोजन की जा रही है। उसका आयोजन का संभागीय स्तर जो फाइनल कार्यक्रम 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक प्रस्तावित है, जो 15 दिसंबर को जो समापन कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री महोदय एवं अन्य सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शामिल होने का अभी कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी हिसाब से अभी तैयारी जारी है और जैसा प्रोग्राम फाइनल होगा उसी हिसाब से मिनट टू मिनट का एक्टिविटी का भी जानकारी प्राप्त हो सकता है। अभी वर्तमान में जो बस्तर ओलंपिक्स का समापन कार्यक्रम को लेकर सभी प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था अन्य जो प्रबंधन। एक तरफ महादेव बैटिंग ऐप के धरवाकारी धान उपार्जन केंद्र में धान का उठाव नहीं होने के कारण धान खरीदी ठप हो चुकी है। धान खरीदी नहीं होने से किसान काफी आक्रोशित है और ऐसे में धान खरीदी को लेकर परेशान किसानों ने पचपेड़ी मार्ग में चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई जिससे कि यातायात बाधित हुआ है। रायगढ़ के घरगोड़ा क्षेत्र ग्राम पंचायत नवापारा में पिछले 6 दिनों से केंद्र में धान खरीदी ठप होने की वजह से परेशान किसानों ने अब मुख्य सड़क पर चक्का जाम किया है। बड़े गुमड़ा, छोटे गुमड़ा, नवागढ़, नवापारा, टेंडा, भिंगारी, बिलासखार, कटंक डी और आसपास के गांवों से जुटकर किसानों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। किसानों का आरोप है कि इस्तीफा आवेदन देने के बावजूद भी एसडीएम ने कोई ठोस व्यवस्था नहीं की। वहीं तहसीलदार मनोज कुमार गुप्ता की समझाइश देने और लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने चक्का जाम स्थगित किया है। हम चाहत हन सोसाइटी ल चालू करे और सब दिन यहाँ चलन दे, जबकि धान लेने वाला है किसान सब लेन लेन दे और ले खरीदे, प्रबंधक सब कुछ तैयार करे। किसान मन के धान के क्या स्थिति है अभी? किसान मन के धान है स्थिति सब ठीक है और हाथी और बरहा खरीदे इन्हें बाहर बाँचे खोचे लाए नही ले थे अभी नहीं ले थे और वो परेशान तो आए रात के हाथी खाता है और रात बढ़ा खा आता है बोला कुदा जाता है बाँची सा चले यहाँ लाने हम। जहाँ नवापारा टेंडर को लेते हुए सोसाइटी में कई व्यवस्थाएं चल रही थी, यहाँ पर जो एम्प्लॉई है जैसे सस्पेंड हो चुका है, मनोज गुप्ता जिसका नाम है, यहाँ पे नए अध्यक्ष बने हुए हैं। यहाँ के व्यवस्थाओं के कारण ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था जिसके लोग यहाँ पे आए हुए थे। जो नए अध्यक्ष हैं उन्होंने उनसे बात की गई तो उन्होंने यहाँ पे दो लोगों को मनोनीत किया है, एक पट प्रभारी हर्षित गुप्ता एवं बारदाना प्रभारी राजेश गुप्ता की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति पत्र उनको दे दिया गया है। धीरे धीरे जो ऑपरेटर है उनको हम अभी घरोड़ा से बुलवा रहे हैं और वो यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालेंगे टेम्परेरी रूप से और परमानेंट व्यक्ति की नियुक्ति तक वो इस कार्य को देखेंगे। सागर के पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक वही बीजापुर जिले में माता रुक्मणी आश्रम में छात्रा की मौत के बाद अब पोटा केबिन की एक छात्रा की मौत हो गई है। दरअसल यहाँ नैमिन में संचालित कन्या रेजिडेंशियल स्कूल पोटा केबिन में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा की अचानक तबियत खराब हो गई। उसे उपचार के लिए बीजापुर अस्पताल भेजा गया। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के कारण 11 दिसंबर को उसे बेहतर उपचार के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन मेकॉज पहुंचने से पहले ही छात्रा ने दम तोड़ दिया। 3 दिनों में 2 बच्चों की मौत से हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। वार्षिक कक्षा 10वीं की विमला कुवासी नाम की बालिका 23 तारीख से स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैमेड़ में ही 23 तारीख को भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद पश्चात 26 तारीख को उसको डिस्चार्ज किया। पुनः छात्रावास आने पर स्वास्थ्य फिर ठीक नहीं होने की वजह से उसे 26 तारीख को भर्ती कराया गया। वहाँ से डिस्चार्ज किया, फिर 28 तारीख को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिला अस्पताल में लगभग 3 तारीख तक इलाज चलता रहा। ठीक होने के पश्चात उसे डिस्चार्ज किया गया। गरियाबंद के इधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को सुकमा में 2 जगहों पर छापेमारी की। हैदराबाद से पहुंची एनआईए की टीम ने तड़के 4 बजे जिला मुख्यालय स्थित मंतोष मंडल और एक अन्य महिला के घर दबिश दी। टीम ने दोनों के घर में छानबीन की। आपको बता दें कि मंतोष मंडल पर नक्सलियों के सहयोगी और शहरी नेटवर्क का आरोप लगा था। उसे 25 सितम्बर को स्थानीय पुलिस ने भेज्जी इलाके से नक्सल मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद एनआईए की टीम लगातार उससे पूछताछ भी कर रही थी।
में धान खरीदी प्रभावित होने पर गढ़घोड़ा ब्लॉक के टेंडा नवापारा मंडी के सामने किसानों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल धान खरीदी केंद्र में कर्मचारी नहीं होने से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। यहां ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, तो वहीं प्रबंधक ने इस्तीफे दे दिया है। बता दें कि प्रभारी प्रबंधक पूर्णू राम राठिया ने 7 दिसंबर से काम में नहीं आ पाने को लेकर लिखित सूचना दी थी। सूचना को 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी उचित व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है, जिससे आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम कर दिया। खबर अब रायगढ़ से, जहां अपनी दहशत बनाने के लिए बंटी साहू उर्फ रावण इन दिनों अपने ऑफिस में लोगों को निर्वस्त कर बेल्ट से मारपीट करने का वीडियो बनाकर वायरल करता था। वहीं बंटी साहू पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार जब बंटी साहू का मारपीट करने का वीडियो वायरल होने लगा तो रायगढ़ पुलिस पर उंगलियां उठने लगी। तब जाकर शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पहले तो उनके 9 साथियों को गिरफ्तार किया, वहीं अब फरार चल रहे बंटी साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभ्यस्त आरोपी बंटी साहू उर्फ रावण, जो अपने आप को बोलता था रावण ऑटो सेंटर का संचालक, और 28 से अधिक मामले जिसके खिलाफ जो है हमारे यहाँ दर्ज है। तीन मामलों में ये फरार आरोपी भी था। लगातार इसकी खोजबीन की जा रही थी। इसके 9 साथियों को पिछले दिन ही आपने देखा कि रायगढ़ पुलिस के द्वारा स्पेशल टीम बनाकर एसपी सर दिव्यांग सर के मार्गदर्शन में उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है क्राइम के लिए, उसके संबंध में हमने तुरंत टीम बनाकर आगे बढ़े हुए थे। और अलग अलग टीम, चूंकि ये बहुत ही अभ्यस्त आरोपी है, बहुत सीजन प्लेयर है, तो इसको छुपना भी आता है। अलग अलग जगह पे फोन बंद करके छुप रहा था, लुकने छिपने का प्रयास कर रहा था। हमें पता चला दुर्ग, रायपुर और नागपुर तरफ भी जाने की संभावना थी, वहां भी एक दो हमारी टीम गई हुई थी, लेकिन अंततः हमको उसको खोजने में सफलता जरूर मिली और रायगढ़ से ही एक जगह लुक छिप रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव के चलते अब माओवादी संगठन में खलबली मची हुई है। बीते दिनों नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि नक्सली महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, और अब इस तरह की घटनाओं को लेकर आदिवासी समाज भी चिंतित दिखाई दे रहा है। वहीं बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि फोर्स का मनोबल काफी ऊंचा है और यही कारण है कि फोर्स के सामने नक्सली टिक नहीं पा रहे और ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। महिलाओं को भी नक्सली टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। और हम शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से व सरकारों से मांग करते हैं कि आप खात्मा कीजिए, लेकिन हमारे जो मूल जहां प्राय जनजाति समाज के लोग हैं, जो निर्दोष हैं, आपके इस समस्या का निदान से उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं, उनको टारगेट किलिंग कर मारा जा रहा है, ये रोक होना चाहिए। कि हम नक्सलवाद का समाप्ति चाहते हैं, लेकिन इस नक्सलवाद की समाप्ति में निर्दोष लोगों को लक्ष्य बनाकर दोनों पक्षों में से कहीं न कहीं से जो मारे जा रहे हैं, ये बड़ा दयनीय है, दंडनीय है, इसका हम निंदा करते हैं। भयभीत वातावरण निर्मित करने के लिए निर्दोष ग्रामीण को टारगेट बनाकर उन्हें प्रताड़ित करना, उनका हत्या करना, इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये मोदी संगठन की कमजोरी के निशान है, कभी भी वो मजबूत रहते, इस प्रकार साफ टारगेट को अटैक नहीं करते। खासतौर पर जो महिला तक वो लोग उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें हत्या की जा रही है। ये वर्ष 2024 में अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग जिला में कुल 62 ग्रामीण को मोदी द्वारा अलग अलग आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित करके हत्या की गई। सिविल जज की सेवा में बीजापुर जिले के थाना तमेल और गंगरूर क्षेत्र में पुलिस ने माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी को बरामद किया। आपको बता दें कि तलाशी अभियान के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। वहीं बरामद की गई आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।
बात करते हैं रीवा के जिला औषधि विभाग ने छापेमार कार्यवाही की है। शहर के अलग अलग 45 मेडिकल स्टोर में लगभग 60 पुलिसकर्मी सहित 15 संयुक्त टीमों ने ये कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि शहर के मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से नशीली दवा की लगातार शिकायतें मिल रही थी। वहीं मामले में टीम ने 15 मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी किया और 3 दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया है। शक्ति में आयोजित राउत नाचा महोत्सव में चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। विधायक ने नृत्य कर रहे ट्रोलियों के साथ थिरकते नजर आए। इस दौरान विधायक ने अपने बचपन की यादें भी ताजा की। देखिए, भले आज हम विधायक हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा आप बीती, हम तो वही राम कुमार यादव है जो एक समय अपने माँ बाप के साथ में गाय भैंस चराते थे और वैसे रौताही मेला, सिंगरा मेला, आपके दुर्घटना मेले में जाकर के यादव समाज का जो एक परंपरा है उसे लिप्त करते थे। तो विधायक मंत्री बन अलग बात है, लेकिन आज भी मेरे दिल में वही दिल धड़कता है जो बचपन में अपने गाय में चला कर रहा था। निंडौरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कजरिया में बुधवार बड़ी खबर का जो कि बिलासपुर से ही मिल रही है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। 6 साल से ये आरोपी फरार था। ACCU और सरकंटा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां दुष्कर्म की कोशिश करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। अब बढ़ते हैं खबरों। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि बिलासपुर से मिल रही है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जमीन बिक्री के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को भिलाई से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चक्करभाटा थाना क्षेत्र की पुलिस ने ये कार्यवाही की है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन बिक्री के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया है। चक्करभाटा थाना पुलिस की कार्यवाही। रुकते